हेलो एवरीवन, 29 मई को रात 9 बजे के करीब नॉर्दर्न इंडिया में दिल्ली और आसपास के एरियाज में कुछ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हाँ, जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उनका कहना है कि इसका एपिसेंटर जो था वो रोहतक हरियाणा में बताया जा रहा है और मैग्नीट्यूड इसका 4.6 है, विच इज अ क्वाइट सीवियर थिंग, क्योंकि हमें सोचने ये समझने की जरूरत है कि हल्के फुल्के झटके नहीं थे, थोड़े जो है खतरनाक ये झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली और आसपास के एरिया में। और अगर मैं डेप्थ की बात करूं झटकों की तो वो 3 किलोमीटर रही गई है। तो आइए जानते हैं कि मई के इस मंथ में 2020 में जब हम सब ऑलरेडी लॉकडाउन में हैं और कोरोना से लड़ रहे हैं, उस वक्त दिल्ली में खाली मई में ही 5 झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं। जी हाँ, 5 अर्थक्वेक्स की न्यूज ऑलरेडी दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में सुनने को मिली है हमें और महसूस किए गए हैं ये चीजें। समझने की बात ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि नॉर्दर्न इंडिया में इतने ज्यादा इंटेंसिटी से और इतने सीवियर अर्थक्वेक्स हमें महसूस हो रहे हैं, इतने झटके भूकंप के हम महसूस क्यों कर रहे हैं। उसके कुछ कारण हैं, जैसे कि साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो झटके हैं ये बेसिकली इसलिए हैं क्योंकि जो इंडियन प्लेट है, अगर आपने टेक्टोनिक प्लेट्स की हम बात करें, जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के अंडरनीथ जा रही है, तो उसकी वजह से देर फॉल्ट लाइन फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं विच लीड टू अर्थक्वेक्स, जिसकी वजह से भूकंप आ रहे हैं। और पर्टिकुलरली अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है और दिल्ली में जिस तरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कंस्ट्रक्शन में जो माइनिंग हो रही है, जी हाँ, अगर आप रोड बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको सॉइल की जरूरत है, जिसके लिए बहुत ज्यादा खुदाई हो रही है, चाहे वो हम रोड्स की बात करें या फिर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें हम हाईवे पे हाईवे बनाते जा रहे हैं। हमारा डेवलपमेंट थोड़ा फास्ट हुआ है, हमारी मेट्रोज अंडरग्राउंड और ऊपर ग्राउंड के चल रही हैं, लेकिन उसकी वजह से नेचर भी अफेक्ट हो रही है, तो डेवलपमेंट भी सोच समझ के करने की जरूरत है। उसके अलावा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन तो हो ही रहा है, जो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है अर्थक्वेक का दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज में। ग्राउंड वाटर आपने देखा होगा, पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, वो इसलिए क्योंकि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है तो नीचे से जमीन खोखली हो रही है, विच इज लीडिंग टू मोर सीवियर अर्थक्वेक्स इन दिल्ली स्पेसिफिकली। उसके अलावा एक और चीज जो ध्यान देने की है कि दिल्ली जो है, डेवलपमेंट तो एक कारण है, जो एक कॉज है मैनमेड, ये सब एक्टिविटीज जो है ये एक मैनमेड डिजास्टर का रूप लेती हैं। उसके अलावा अगर नेचुरली कुछ लोकेशन देखें हम दिल्ली की, दिल्ली जो है ऑलरेडी कुछ फॉल्ट लाइंस के टॉप पर है या फिर उनके सराउंडिंग में है, और ये 4 फॉल्ट लाइंस की अगर मैं बात करूं तो महेंद्रगढ़ फॉल्ट लाइन, मुरादाबाद फॉल्ट लाइन, सोना फॉल्ट लाइन और दिल्ली हरिद्वार रिज जोन जो है, तो दिल्ली की लोकेशन भी उसको सीवियर बनाती है अर्थक्वेक जैसी प्रॉन एक्टिविटीज के लिए। और ये मैनमेड एक्टिविटीज जो हैं, जो हमारे पास रीसेंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग 798 अर्थक्वेक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं पिछले 100 सालों में, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हुए हैं। और पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं तो 10 सालों में 11 अर्थक्वेक जो हैं वो इंडिया में ही देखने को, 11 से मोर देन 11 अर्थक्वेक जो हैं वो दिल्ली में देखने को मिले हैं मार्च और मई के बीच में। और पिछले 10 सालों में जो अर्थक्वेक है उनकी इंटेंसिटी और उनके नंबर हमारे इंडिया और स्पेसिफिकली नॉर्दर्न रीजन की मैं बात करूं, जो जैसे दिल्ली आपका जोन 4 में आता है, सिस्मिक जोन 4 में आता है दिल्ली, जो कि कवर करता है हिमालयन रीजन, इंडो गैंगेटिक रीजन, जो कि ज्यादा प्रोन है टेक्टोनिक एक्टिविटीज के लिए। ये कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं।
जो जिसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि इन कुछ कारणों की वजह से दिल्ली जो है वो तीसरा सिटी है इंडिया की जो बहुत ज्यादा प्रोन है अर्थक्वेक्स के लिए. हम आशा करते हैं कि हम अपनी एक्टिविटीज पे डेवलपमेंट को थोड़ा रैशनल तरीके से करें और ऐसी एक्टिविटीज से बचते चलें. क्या आप शिक्षक हैं, छात्र हैं और विज्ञान संचारक हैं और चाहते हैं कि आपके स्कूल, आपके गांव और आपके शहर की खबर चले हमारे चैनल पर, और बनना चाहते हैं आप विज्ञान रिपोर्टर, तो संपर्क करें व्हाट्सएप पर 9358414442 या फिर मेल करें pvsuniverse@gmail.com पर.